नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी ब्लू कलर की होंडा हॉर्नेट 160R जो कि मैंने 2 साल पहले खरीदी थी। तो मेरा नाम है दिवाकर और इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम इस पे विंडस्क्रीन या विंडशील्ड कह लो वो हम इंस्टॉल करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक विंडस्क्रीन जो कि यामा फेजर की है। इसका मैं एक वीडियो बना चुका हूँ मॉडिफिकेशन वाले में, तो वो आप जाकर देख सकते हो। उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने होल किया हुआ है यहाँ पे, जहाँ पे जाकर ये विंडस्क्रीन लगेगा। अच्छा, ऑलरेडी होल किया हुआ है ऊपर। हाँ वाह। इसका जो प्राइस है वो सभी जगह पे डिफरेंट मिलता है, लेकिन गारंटी है कि एक 400 से आपको कम में मिल जाएगा। जी हाँ, मैंने भी कुछ 250 या 300 रुपये में लिया था, मुझे भी अभी ठीक से याद नहीं है। जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे लग रहा है। थोड़े से उसके स्क्रैचेस पड़े हुए हैं क्योंकि ये बहुत समय से यूज़ कर रहा हूँ मैं। ये जो विंडस्क्रीन है इसको मैंने निकाल के रखा हुआ था, और नंबर प्लेट भी आप देख सकते हो इसके ऊपर मैंने लगा के रखी है। ये नीचे की जो नंबर प्लेट है वो टूट चुकी थी, तो जहाँ पे नंबर प्लेट है वहाँ पे मैं एक मडगार्ड लगाऊंगा, जैसे डर्ट बाइक या फिर क्रूजर्स का आता है, एडवेंचर टूरर्स का आता है सॉरी, तो उसका एक वीडियो बनाया जाएगा। तो ये पूरा एक अलग लुक दे देता है बाइक को। तो इसकी पिक्चर्स जो है मैं आगे वीडियो में डालूँगा ताकि आपको आइडिया मिल सके कि ये कैसा लग रहा है। जी हाँ, अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कैसा लग रहा है दिखने के लिए। तो अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।